नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शवाना कुरैशी के पिता डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े की मां ने समीर की शवाना से शादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखा था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रखे जाने के 3-4 साल बाद ये शादी हुई। इस दौरान हमने देखा कि समीर के पूरे परिवार का माहौल मुस्लिम परिवारों जैसा था। डॉक्टर जाहिद ने कहा कि इंगेजमेंट के 10 महीने बाद ये शादी हुई और अगर समीर का परिवार मुस्लिम नहीं होता तो वे अपनी बेटी की शादी समीर से नहीं करते। उन्होंने कहा कि पूरी शादी इस्लामिक रीति रिवाज से लोगों की मौजूदगी में हुई। डॉक्टर जाहिद ने आज तक से कहा कि समीर का पूरा परिवार इस्लामिक नियमों को मानता था और समीर की मां के इंतकाल से पहले उनके परिवार में दीनी यानी धार्मिक माहौल था। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना के पिता जाहिद कुरैशी ने कहा कि वो समीर के पिता को दाऊद नाम से जानते थे। डॉक्टर जाहिद ने आज तक से कहा कि समीर का पूरा परिवार इस्लामिक नियमों को मानता था और समीर की मां के इंतकाल से पहले समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना के पिता जाहिद कुरैशी ने कहा कि समीर के पिता के दोस्त भी समीर के पिता को दाऊद नाम से ही जानते थे। निकाहनामे में भी उनका नाम दाऊद ही था। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े नमाज पढ़ते थे और रोजे रखते थे। आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुनाया। आर्यन के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली। आर्यन करीब 3 हफ्ते से जेल में है। हालांकि आर्यन की जमानत का ऑर्डर कल तक अपलोड होगा तो आज आर्यन को जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिल्मी स्टाइल में चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। बता दें, नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को लेकर खुलासे कर रहे हैं, उन पर हमलावर हैं, जिसके कारण समीर वानखेड़े फंस गए हैं और अब उनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर किया, जिसके बाद हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोसावी बीते कई दिनों से फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, जिसके बाद आज उसको अदालत ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया। बता दें, गोसावी की गिरफ्तारी धोखाधड़ी के एक मामले में हुई है। इस मामले में गोसावी ने पुणे के ही एक युवक से 3 लाख से ज्यादा की रकम उसे विदेश भेजने के नाम पर ली थी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के क्रिकेट में भारत पर पाकिस्तान की जीत को इस्लाम से जोड़ने पर आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रैली में कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हुई। ओवैसी ने कहा कि दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। इसके साथ ही शमी पर हमलावर लोगों को ओवैसी ने कहा कि हम शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा भारत को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपने एक नए बयान से कांग्रेस को नसीहत दी है। पीके ने कहा कि बीजेपी कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली है और दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी इसे नहीं समझते हैं। पीके ने यह बात बुधवार को गोवा में आयोजित सवाल जवाब के कार्यक्रम में कही। पीके के इस बयान वाले वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पीके वहां मौजूद लोगों से कहते हैं कि बीजेपी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी, चाहे वह हारे या जीते। ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस 40 साल तक रही, बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। एक बार आप देश भर में कुल 30% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं तो आपको जल्दी कोई खतरा नहीं होता। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि लोग इस तरह की बातों के जाल में ना फंसें कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार देंगे। पीके आगे कहते हैं कि हो सकता है कि लोग मोदी को नकार दें, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। पीके का कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी अगले कुछ सालों तक भारतीय राजनीति की धुरी बनी रहेगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने गुरुवार को आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया तय है। अखिलेश ने सुहेलदेव समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित वंचित पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव में खदेड़ा होबे का नारा दिया।
2002 गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट को जाकिया जाफरी और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जाकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। एहसान की अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जाकिया की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने SIT जांच और इसकी क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने कहा कि पूर्व पत्रकार आशीष खेतान ने बजरंग दल से जुड़े बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो नरोदा पाटिया केस में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोपी था। उन्होंने कहा कि खुफिया कैमरे पर बजरंगी ने हिंसा में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और पुलिस और तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी। गुजरात दंगे वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने साबरमती एक्सप्रेस हत्याकांड के शवों को एक निजी व्यक्ति को सौंपने को लेकर कहा कि शवों को जयदीप पटेल को क्यों सौंप दिया गया, ये एक गंभीर मुद्दा है। जयदीप पटेल कोई अधिकारी नहीं थे, वह एक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे। शवों को एक आधिकारिक दस्तावेज पर सौंपा गया था। उन्होंने कहा इसका नतीजा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो हुआ वह ये था कि जिस समय ट्रक से शव सुबह 3:30 या 4 बजे पहुंचे, वहां 3,000 लोग पहले ही जमा हो चुके थे। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, किसने फ़ोन किया, कैसे लोगों को पता चला कि जयदीप पटेल शव को ले जा रहा था। उन्होंने ये भी पूछा कि जब 3,000 लोग इकट्ठे हो गए थे तो 28 फरवरी को 1:45 बजे तक धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया था। गुजरात दंगों में क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान जाकिया के वकील कपिल सिब्बल ने 2 मंत्रियों के पुलिस कंट्रोल रूम में होने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा एक आरोप लगाया गया है कि IK जडेजा तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और अशोक भट्ट कानून मंत्री व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नियंत्रण कक्ष में थे। SIT ने आरोपियों से पूछा क्या वे वहां थे या नहीं। एक ने कहा कि मैं वहां नहीं था, दूसरे ने कहा मैं वहां 2-3 घंटे कंट्रोल रूम में था, लेकिन मैंने कोई निर्देश नहीं दिया और SIT ने इसे स्वीकार कर लिया और ये मामला खत्म हो गया। सिब्बल ने कहा कि यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी ऐसा नहीं करेगी, जिसमें SIT ने आरोपी से स्पष्टीकरण मांगा है और वह स्वीकार कर लिया गया है। एक शहरी विकास मंत्री का पुलिस नियंत्रण कक्ष में क्या काम है, किसी को इसकी जाँच करनी ही होगी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए SathHindi.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।